स्वागत है आप सभी का इस नए धमाकेदार वीडियो में। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप अपने इंस्टाग्राम के आईडी को कैसे डिलीट कीजिएगा। बहुत से लोग क्या करते हैं कि इंस्टाग्राम के अकाउंट पर जाते हैं, लॉग आउट करके वहां से रिमूव कर देते हैं और उनको लगता है कि डिलीट हो गया है। लेकिन मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप परमानेंट अपने इंस्टाग्राम आईडी को कैसे डिलीट कीजिएगा। तो इस वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, कहीं भी स्किप करके मत देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, आपको एकदम 100% समझ में आ जाएगा कि आपको इंस्टाग्राम की आईडी को कैसे डिलीट करना है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहेगा और आप मेरी हर एक वीडियो को आसानी से देख पाइएगा। प्रोफाइल पे आपको क्लिक कर लेना है। प्रोफाइल पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो देखिए कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आने के बाद सिंपली आपको क्या करना है, ऊपर में थ्री डॉट का ऑप्शन दिखाई देगा, तो सिंपली वहाँ पे आपको थ्री डॉट वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। थ्री डॉट पर क्लिक कीजिएगा, देखिए यहाँ पर 10 या 7-8 ऑप्शन दिखाई देगा, तो सेटिंग्स का ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। सेटिंग्स पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा देखिए यहाँ पर फिर से आपको बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो नीचे में एक हेल्प का ऑप्शन है, हेल्प पे क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए तीन ऑप्शन दिखाई देगा, तो यहाँ से आपको हेल्प सेंटर जो दिखाई दे रहा है दो नंबर पे, यानी कि बीच में, तो सिंपली उस पर आपको क्लिक कर लेना है। वहाँ पर क्लिक कीजिएगा देखिए यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन दिखाई देगा, तो यहाँ से आप लोग स्टेप बाई स्टेप समझने की कोशिश कीजिएगा। इसके आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। देखिए यहाँ पे आने के बाद सिंपली आपको क्या करना है कि जो सर्च का बॉक्स दिखाई दे रहा है वहाँ पर सिंपली आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ पर सर्च करना है हाउ टू डिलीट। जैसे ही सर्च कीजिएगा देखिए यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑप्शन देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे हाउ टू डिलीट अकाउंट, हाउ टू माई डिलीट अकाउंट, यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको समझना होगा, यहाँ पे आपको जो हाउ टू डिलीट माई अकाउंट है उस पर क्लिक कर देना है और उसके बाद क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर भी फिर से बहुत सारा ऑप्शन दिखाई देगा। तो ऊपर में जो ऑप्शन है हाउ टू आई डिलीट माई इंस्टाग्राम अकाउंट, तो सिंपली वहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। वहाँ पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपको थोड़ा नीचे आना होगा और यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिलेगा, लेकिन आपको कुछ नहीं करना है, इधर छेड़छाड़ नहीं करना है। नीचे आइएगा तो आपके सामने देखिए डिलीट योर अकाउंट का ऑप्शन दिखाई देगा, तो सिंपली यहाँ पे आपको डिलीट योर अकाउंट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करके और थोड़ा आपको वेट कर लेना होगा क्योंकि जैसा आपका इंटरनेट स्पीड होगा उसी तरह से होगा। देखिए उसके बाद आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर आपको किस कारण से अपना इंस्टाग्राम आईडी को डिलीट करना चाहते हैं, यहाँ पे आपको रीजन सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो बॉक्स दिखाई दे रहा है सिंपली यहाँ पे इस बॉक्स पे आपको क्लिक कर लेना है और बॉक्स पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे 5-6 ऑप्शन स्टार्ट आ जाएगा आपके सामने। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, लेकिन मैं यहाँ पर देखिए सिलेक्ट कर लेता हूँ प्राइवेसी कंज्यूर, उस पर क्लिक कर लेता हूँ। और क्लिक कर लेने के बाद सिंपली यहाँ से आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे अपना पासवर्ड आपको फिलअप करना होगा, जो भी आपका इंस्टाग्राम आईडी का पासवर्ड है उसको यहाँ पे फिलअप करना है। चलिए मैं वीडियो को रोक करके फिलअप कर लेता हूँ। देखिए पासवर्ड फिलअप हो जाने के बाद सिंपली आपको नीचे आना है और यहाँ पे डिलीट जो भी आपका आईडी का नाम होगा, यूजर नेम जो भी होगा, तो यहाँ पर डिलीट और यूजर नेम आपका शो करेगा, तो सिंपली यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद सिंपली आपको ओके कर देना है। जैसे ही ओके कीजिएगा तो आपके सामने कुछ अलग इंटरफेस ओपन हो जाएगा, तो देखिएगा कुछ देर वेट कर लेना है। देखिए आपका इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट हो गया, वहाँ से लॉग आउट हो गया और आपका इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट हो गया है। कहीं पर भी सर्च करके चेक कर लीजिएगा आपका इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट हो गया है। तो गाइस आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए यहीं पर मैं वीडियो को समाप्त कर लेता हूँ। अगले वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल गाइस, थैंक यू सो मच।